नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य सीट बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने चुनाव जीत लिया है। रोत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को शिकस्त दी है। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले राजकुमार रोत 2018 में राजस्थान के सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। फिर 2023 में भी विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन दूसरी बार विधायक बनने के मात्र 6 महीने बाद ही राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। चुनावी जीत के बाद राजकुमार रोत की चर्चा बड़ी तेज होने लगी है। कई लोग उनके जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं। आइए आपको बता दें कि राजकुमार रोत की पूरी कहानी क्या कुछ है। साधारण परिवार में जन्मे राजकुमार रोत ने मात्र 32 साल की उम्र में लोगों को बड़ा भरोसा है जो जीता है। अब वो दिल्ली से अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से पढ़ने वाले डूंगरपुर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए राजकुमार रोत ने कभी शिक्षक बनने का सपना देखा था। इस कारण उन्होंने बीएड की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उनके भाग्य ने राजनीतिक जीवन में सेवा करने की लकीर खींच ली थी। इसीलिए उन्होंने इसके लिए छात्र राजनीति में कदम रखा और उसके बाद वे राजनीति की ऊंचाइयां चढ़ते हुए अब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंच गए हैं। राजकुमार दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के आदिवासियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। वे सबसे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2018 में सबसे युवा विधायक के रूप में चुने गए हैं। राजकुमार रोत ने BTP पार्टी के 84 विधानसभा से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार ने भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए करीब 70,000 मतों से दूसरी बार विजय प्राप्त की। राजकुमार का जन्म 26 मई 1992 को डूंगरपुर जिले के खाकर खुणिया गांव में हुआ था, जो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। राजकुमार के पिता का नाम शंकरलाल है और माता का नाम पार्वती है। राजकुमार के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। ऐसे में उनका बचपन काफी तकलीफों में रहा। लोगों का दर्द उन्होंने बेहद करीब से देखा। बचपन में ही राजकुमार ने अपने आस पड़ोस के लोगों में जागरूकता का लाना शुरू कर दिया था, अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखा दिया था। राजकुमार रोत ने BEd की शिक्षा डूंगरपुर कॉलेज में किया। राजकुमार रोत डूंगरपुर कॉलेज के छात्र संघ संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके संगठन का नाम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है। राजकुमार रोत का सपना एक शिक्षक बनने का था। भारत आदिवासी पार्टी में जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, पहले इसके चयन समाज की जाजम पर सामूहिक रूप से सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से होता है। जिसके पक्ष में अधिक वोट मिलते हैं उसको चुनावी मैदान में उतारा जाता है। इस प्रोसेस से राजकुमार रोत प्रत्याशी चुने गए और फिर लोगों के भरोसे पर खड़े उतरे हैं। पहले विधायक और अब सांसद बने हैं। राजकुमार रोत की नामांकन रैली में भी काफ़ी भीड़ है, वो देखी गई थी, जिसकी तस्वीरें वीडियो खूब वायरल भी हुई थी। इन सब पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें फैक्ट इंडिया, मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।